गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार आईटीआई परिवेश परीक्षा में किस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरा सिलेबस क्या है, तीसरा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आखिरी एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। So, ये जो आपका परीक्षा कराया जाता है यानी आईटीआई कैट 2021 का जो परीक्षा कराया जाएगा वो आपका कराया जाता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा यानी बीसीईसीईबी के द्वारा कराया जाता है। और ये सेपरेट एग्जाम होता है, जैसे डीसीईसीई होता है, जैसे बीसीईसीई होता है, तो आईटीआई कैट का एक सेपरेट बॉडी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है यानी आईटीआई कैट उसे कहते हैं, जो कि इस साल होगा यानी 2021 में आपका एग्जामिनेशन ये होगा। तो इसको हम लोग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता परिवेश परीक्षा भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग सिलेबस देखेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे, एग्जाम डेट देखेंगे और कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं यानी हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ये भी हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा है आईटीआई कैट का फुल फॉर्म, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटेटिव एडमिशन टेस्ट, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटेटिव एडमिशन टेस्ट यानी आपका आईटीआई कैट का फुल फॉर्म है। और आईटीआई का सिलेबस क्या है बिहार में और एग्जाम पैटर्न कैसा है, चलिए ये देख लेते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे ये पिक्चर दिख रहा है ये ऑफिशियल वेबसाइट के प्रोस्पेक्टस से डाउनलोड किया गया है और इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वहां जाके आप लोग डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो और इस प्रोस्पेक्टस को अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इस परीक्षा की अवधि कितनी होती है यानी ड्यूरेशन क्या है फॉर दिस एग्जामिनेशन, दैट इज 2 घंटा 15 मिनट। तो 2 घंटा 15 मिनट का आपका यहाँ पे ड्यूरेशन रहता है। फुल मार्क्स आपका 300 का रहता है यानी टोटल मार्क्स आपका 300 का ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो विषय क्या है आईटीआई का, तो सबसे पहले गणित है, फिर सामान्य विज्ञान है और सामान्य ज्ञान है यानी मैथ्स जीएस एंड जीके, ये आपका 3 विषय है। और प्रश्न की संख्या कितनी है, प्रत्येक सेक्शन से आपका 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं यानी आपका 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हर एक सेक्शन का चलिए देख लेते हैं कितना है। तो गणित से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल मार्क्स 100 है यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। और परीक्षा का स्तर कैसा है यानी किस लेवल पे पूछा जाता है, ये माध्यमिक लेवल पे है यानी आपका मैट्रिक लेवल पे, क्लास 10th लेवल के ऊपर आपका प्रश्न रहेगा आईटीआई सिलेबस में। दूसरा चलिए हम लोग देख लेते हैं सामान्य विज्ञान, यानी आपका जो सामान्य विज्ञान से पूछा जाता है वो भी आपका 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स यानी इसमें भी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कैरी करता है, 2 मार्क्स कैरी करता है, ये भी आपका माध्यमिक स्तर पे भी पूछा जाता है। अब लास्ट में आपका समान ज्ञान यानी जीके, ये भी आपका 100 फुल मार्क्स का यानी 50 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का माध्यमिक स्तर, यानी तीनों आपका 10th लेवल का पूछा जाता है यानी टोटल 150 क्वेश्चन है और आपको 300 मार्क्स यानी 2 से 2 कर दीजिए तो आपको 300 मार्क्स आ जाएंगे, 300 मार्क्स का फुल मार्क्स का आपका ये परीक्षा है। और यहाँ पे लास्ट में एक चीज दिया रखा है जो कि जरूरी है जानना, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं होगी। तो यहाँ पे नहीं होगी, सो आपको बेसिकली यहाँ कहा जा रहा है कि फॉर ईच क्वेश्चन यू विल गेट 2 मार्क्स एंड यू देयर इज नो एनी नेगेटिव मार्किंग हियर। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन करके आने हैं, कोई भी गलत क्वेश्चंस पे आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको प्रत्येक क्वेश्चंस करके आने हैं आपके आईटीआई के एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आईटीआई में आरक्षण देखेंगे यानी रिजर्वेशन, किस प्रकार से सीट्स बांटा गया है जाति के आधार पर। सो सबसे पहले कोटा देख लेते हैं हम लोग शेड्यूल कास्ट का यानी अनुसूचित जाति का, दैट इज 16%। तो यहाँ पे 16% आपका कोटा दिया गया है शेड्यूल कास्ट को यानी एससी को, और आपका शेड्यूल ट्राइब को यानी एसटी को 1% दिया गया है यानी अनुसूचित जनजाति को। अब आइए देख लेते हैं थर्ड अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को आपको 18% दिया गया है आरक्षण। चौथा आपका है पिछड़ा वर्ग यानी बीसी, तो बैकवर्ड क्लास को आपको दिया गया है 12%। और आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए कितना, रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स यानी आरसीजी आपका 3%
रखा गया है आपका आरसीजी के लिए, यानी गर्ल्स के लिए स्पेशली, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 10%, यानी रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईवीएस के लिए आपको 10% रखा गया, और बाकी जो बचा आपका यानी 40% जो बच गया आपका इन लोग सबसे, सो अनरिजर्व कैटेगरी को दे दिया गया है। पहले यहाँ 50% था, लेकिन ईवीएस सेक्शन यहाँ इंट्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ से 50% से घटाकर इसको 40% कर दिया गया है, और यहाँ का 10% आपको ईवीएस वालों को यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि जनरल कैटेगरी में भी आते हैं उनके लिए भी ये रखा गया है। ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों में जो आपका ईवीएस है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे काट के उन्हीं को दिया गया, लेकिन उनमें जो जनरल कैटेगरी में वीकर सेक्शन है उनको दिया गया है। तो ठीक है, आज का हम लोगों का डिस्कशन पूरा हुआ आईटीआई के ऊपर। सो आगे भी ऐसी तरह का वीडियो पाने के लिए आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल बिहार झारखंड यूपी सबसे के लिए वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर आगे भी मिलते रहेंगी। जाकर अदर वीडियोज भी आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।